ना पूर्व में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का चित्र। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। दक्षिण दिशा में ही क्यों चाहिए हनुमान जी की फोटो? केवल एक ही दीवार ऐसी होती है जहाँ पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बने रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपके लिए एक अद्भुत और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम वीडियो के माध्यम से हनुमान जी का जो विग्रह होता है, तस्वीर जो होती है, वो घर में किस दिशा में लगाना चाहिए और कौन सी वो शुभ दिशा है जिसमें लगा करके आप अपने जीवन से दुख, संकट, तकलीफ और सभी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। केवल एक ही दीवार ऐसी होती है जहाँ पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ, चाहे हनुमान जी का बैठा हुआ चित्र लगाओ, चाहे हनुमान जी का रामायण पाठ पढ़ने वाला चित्र लगाओ, और चाहे तो लंका दहन करने वाला चित्र लगाओ, आप चाहे तो मौन मुद्रा में भी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं, आप चाहे तो हनुमान जी का भजन करते हुए भी कोई चित्र लगा सकते हैं, आप चाहे तो राम जी की स्तुति करते हुए हनुमान जी का कोई भी चित्र आप लगा सकते हैं। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है, परंतु कौन सी दिशा में लगना शुभ माना जाता है? ना पूर्व में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का चित्र उत्तर दिशा की दीवार में दक्षिण को देखते हुए ही शास्त्रों में लगाना उचित बताया गया है, और इसी दीवार पर यह चित्र लगेगा। केवल एक ही स्थान हनुमान जी के लिए श्रेष्ठ और उत्तम बताया है, उत्तर की दीवार पर हनुमान जी का चित्र लगेगा। जैसे पूर्वजों के चित्र को गए हुए हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके चित्रों को दक्षिण दिशा के मूल पर विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान जी का जो चित्र होता है वो उत्तर दिशा में विराजमान कर दृष्टि दक्षिण की ओर होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में लगाएं और दक्षिण की ओर मुख होना चाहिए। क्यों? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आने वाली है, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट आने वाला है, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई मुसीबत आने वाली है, अगर व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी आने वाली है, और अगर व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट होने वाला है, या फिर व्यक्ति के जीवन में एक्सीडेंट का योग बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है, क्योंकि दक्षिण जो दिशा है वो यम की दिशा है। यहाँ संपूर्ण परिवार के साथ आनंद के साथ यम निवास करते हैं। हम ये नहीं कहते आपको कि आप अपने घर में हनुमान जी का चित्र लगाओ, ना ही हम बाध्यता करते हैं आपके लिए आपके घर में चित्र हो, या आपने किसी भी दिशा में हनुमान जी का चित्र या फिर हनुमान जी का कोई विग्रह विराजमान कर रखा हो, किसी दिशा में हो, बस आपसे ये निवेदन करते हैं, बस केवल आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप एक बार इसकी डायरेक्शन चेंज करके देखो। रोग, दुख, बीमारी, तकलीफ में आपको लाभ मिलेगा या नहीं, हनुमान जी का केवल दक्षिण दिशा की ओर मुख और उत्तर की दीवार पर हनुमान जी को विराजमान आप एक बार करके देखिए, आपके जीवन से दुख, संकट, तकलीफ,
समस्त पीड़ा, भय, रोग, शत्रु वाला और अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से स्वतः समाप्त हो जाएगी। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगला मुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय माँ बगला मुखी, जय श्री महाकाल।